हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग एक इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन या गेस पेपर के बारे में बात करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है क्या पॉलिटिकल साइंस पेपर फोर। आप लोग पेपर थ्री का एग्जाम देकर आ चुके हैं और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि पेपर थ्री का जो गेस क्वेश्चन या गेस पेपर जारी किया गया था मेरे द्वारा डीवीएस टीम के द्वारा, उसमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम में आए थे। मुझे ऐसे पता चला है कि 60-70% क्वेश्चन अपने गेस पेपर से ही आए थे। आप लोग कन्फर्म अवश्य कीजिएगा वीडियो के नीचे जाकर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और गेस पेपर और कौन से है, गेस पेपर फोर है किस सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए है। इससे पहले अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे बहुत सारे सब्सिडरी पेपर का वीडियो जारी हो चुका है और सभी का लिंक आपको कहां पे मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और एक स्पेशल प्लेलिस्ट सिर्फ अभी के लिए आप सभी के लिए बना दिया गया है। क्या द पॉलिटिकल साइंस या कह सकते हैं कि बीआरबीयू पार्ट 2 और क्या गेस क्वेश्चन प्लेलिस्ट करके कुछ इसी प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उसे चेक अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 4 में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करना है, यानी कि वर्णन करना है। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा और एक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, तो 20 नंबर के होते हैं। ये सभी जानकारी आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन यहाँ पे आप सभी लोग क्या करेंगे, तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपका सब्सिडरी पेपर कौन सा है और किस सब्सिडरी पेपर पे आप लोग वीडियो सबसे पहले देखना पसंद करेंगे। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा, जिस सब्जेक्ट का, उसका वीडियो सबसे पहले डीवीएस टीम के द्वारा जारी कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन अपना है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी यथार्थवादी उपागम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कैसे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, देखिए कैसे पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी उपागम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, आदर्शवादी उपागम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। इसी में सेकेंड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वह देखिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी उपागम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, यथार्थवादी उपागम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पे मैं आप सभी को 2 क्वेश्चन बता चुका हूं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, भारत बांग्लादेश के संबंधों की विवेचना करें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत अमेरिका के बीच संबंध जो है वह कैसे हैं, उस पर आप एक निर्बंध लिखिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, सभी बातें एक ही है। आगे बढ़ते हैं। इससे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या संबंध है, उस पर विवेचना कीजिए, निर्णय लिखिए या निर्णय कीजिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या लिखिए, सभी बातें एक ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत चीन के संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, इस पर भी निर्बंध कैसे लिखना होगा, इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। भारत पाकिस्तान फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा होगा कि भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुई है उसका क्या कारण था, मुख्य कारण बताएं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सभी बातें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की विदेशी नीति के निर्धारक तत्वों का परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन करें। यहाँ पे मैं आप सभी के लिए क्या बता चुका हूँ, 6 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, जो आप सभी के लिए 10 गेस क्वेश्चन लाए गए थे उनमें से कितने क्वेश्चन बता दिए जा चुके हैं, तो 6 क्वेश्चन बता जा चुके हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन अभी और है जिसे डिस्क्लोज करना बाकी है और उस क्वेश्चन को आंसर आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानकारी बताना बाकी है। उस सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 अपना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन एवं कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकार्नो समझौते का मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, शीत युद्ध शब्द को परिभाषित करें, मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। शीत युद्ध शब्द को परिभाषित करें, मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों का वर्णन करें। राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों का वर्णन करें। यहाँ पे मैं आप सभी को एक नोटिस जारी करना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लाया हूँ, 10 क्वेश्चन लाया हूँ, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की तो संभावना है ही, हो सकता है 4 भी आए, हो सकता है 5 भी क्वेश्चन आए, लेकिन आप लोग सोचिएगा कि लाइन बाई लाइन जो शब्द जिस लेटर के बाद लिखा हुआ है वही शब्द मिले तो ऐसा आपके एग्जाम में कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक के अध्ययन प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन एवं क्षेत्र की विवेचना करें, राजनीतिक के प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना करें, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र की विवेचना करें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेम एक एक वर्ड नहीं मिलेगा एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली किस वीडियो में, तो सब्सिडरी पेपर मिलेंगे। आप सब्सिडरी पेपर का क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका सब्सिडरी पेपर कौन सा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।